नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एमपी टीईटी वर्ग 3 की परीक्षाएं निरस्त होने की खबर को निराधार बताया है। उन्होंने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी खबर जो चलाई जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि एमपी टीईटी वर्ग 3 की परीक्षाएं निरस्त हुई है, ये निराधार खबर है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की परीक्षाएं निरस्त होने संबंधी खबर भ्रामक और झूठी है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। सभी अभ्यर्थियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एमपीटीईटी वर्ग 3 की परीक्षाएं हुई थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था और लगातार मध्य प्रदेश प्रशासन और पीबी पर सवाल उठ रहे थे। एमपीटीईटी वर्ग 3 के अभ्यर्थियों ने पीबी के बाहर प्रदर्शन करने की कोशिश भी की थी, जिसको प्रदेश सरकार ने रोक दिया था, लेकिन उसके बाद से लगातार परीक्षार्थी इस परीक्षा को निरस्त करने की मांग कर रहे थे। लेकिन हालांकि अभी तक सरकार ने इसकी जांच कराने के आदेश नहीं दिए हैं, लेकिन अब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि परीक्षाएं निरस्त नहीं हुई है और साथ ही ऐसी कोई खबर जो कि मिल रही है कि परीक्षा निरस्त हो गई, उसको भी निराधार बताया है। साथ ही ऐसी अफवाहों पर ध्यान देने से मना किया है। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस भी इस पूरे मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेर रही है। व्यापम 2 इस पूरे फर्जीवाड़े को नाम दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पेपर लीक किया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल इस पर किसी भी प्रकार की जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने साफ कर दिया है कि परीक्षाएं ना निरस्त हुई हैं और ना ही होंगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।